हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन बनास नदी की शॉर्ट ट्रिप से अपन पढ़ते हैं बनास नदी। ठीक है, देखो बनास नदी जो है वो खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। ठीक है ना, राजसमंद से निकली फिर चित्तौड़ में गई, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर में जगह खत्म होती है। ठीक है, चंबल के अंदर तो राजस्थान में चंबल के बाद में बनास नदी जो एक प्रमुख नदी है। ठीक है ना, छोटा सा एक नक्शा देख लेते हैं अपन। ये राजसमंद है, यहाँ से खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से ये निकलती है बनास नदी, चित्तौड़ में गई, फिर भीलवाड़ा के अंदर गई, अजमेर में गई, टोंक और सवाईमाधोपुर में, यहाँ से चंबल नदी निकलती है। ठीक है ना, खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है बनास नदी, कहाँ से? राजसमंद, राजसमंद के बाद में गई चित्तौड़ में, फिर चित्तौड़ में जाकर भीलवाड़ा के अंदर, फिर अजमेर, फिर टोंक और सवाईमाधोपुर में जाकर चंबल नदी जो है उसके अंदर मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा आपको इनके जो जिले हैं वो भी ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो राजसमंद, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर। ठीक है ना, या तो आप ऐसे याद कर लो आर सी बेट्स। ठीक है ना, और अगर ये याद नहीं है तो छोटी सी ट्रिक आप बता देता हूँ। ठीक है ना, रांची में भी आज टॉस, देखो रा से क्यों गया राजसमंद, ठीक है ना, ची से क्यों गया चित्तौड़, बी से हो गया भीलवाड़ा, ठीक है ना, आज से हो गया अजमेर, टॉस हो गया टोंक और सर से हो गया सवाईमाधोपुर एंड यू। ठीक है ना, कितने हो गए? ये छह जिले हो गए टोटल। रांची में भी आज टॉस, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर। ठीक है ना, तो ये जिले याद हो गए। ठीक है ना, और एक चीज और देखो, ये ब है ना, ब से बेड़च नदी। ठीक है ना, एक तो ये याद है ना, बेड़च नदी, और बाकी की जो इसकी सहायक नदियां हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है वो भी ध्यान रखना। उसकी क्या है ट्रिक? ठीक है ना, काली कोठरी में भी ये छोटी से लाइन डाल रखी है। देखो काली कोठरी में भी मोर ढूंढे खास डीएम। ठीक है, काली कोठरी में भी मोर ढूंढे खास डीएम। देखो काली से क्या हो गया, काली सील, एक काली सिंध है वो चंबल की, ये काली सील है। कोठरी से हो गया कोठारी नदी, मैं से हो गया मेजा बांध, ठीक है मेजा बांध हो गया, पी से हो गया भीलवाड़ा। ठीक है ना, कोठारी नदी पर मेजा बांध है, मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है ना, मोर से क्या हो गया, मोरेल, ढूंढ से हो गया ढूंढ, ये भी एक सहायक नदी, किसकी? इसकी, मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ। खास हो गया खारी, सह से हो गया सहोदरा,
20 हो गया, 20 से क्या था, एम से हो गया एक तो मान से, एक है मासी और डी से क्या था, डी से डाई, ठीक है ना। ये सारी विधियां कंप्लीट हो गई यहाँ पर। देखो काली सील काली कोठरी में भी मोर ढूंढे खास डीएम, ठीक है ना। काली से हो गया काली सील नदी, कोठरी से हो गया कोठारी नदी, ठीक है ना। ये नदी तो ये वाली काली सील, दूसरी है कोठारी। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। ये पूरा एक ही है, ठीक है ना। तीसरी होगी ये मोरेल, मोरेल की मोर से हो गया मोरेल और ढूंढे से हो गया ढूंढ नदी, ठीक है ना। मोरेल की साइड नदी होगी ढूंढ नदी, ठीक है ना। फिर खास, खास हो गया खारी नदी, खारी की जो साइड नदी है, खारी की साइड नदी कौन सी है, ये वाली। मासी, ठीक है ना। ये जो खारी है, खारी की सहायक नदी है मानसी, और मासी की सहायक नदी है सहोदरा। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो मोरेल की सहायक नदी होगी ढूंढ, मोरेल की सहायक नदी होगी ढूंढ, और खारी की सहायक नदी होगी मानसी, ठीक है ना। और सह से हो गया सहोदरा, डी से हो गया डाई, एम से हो गया मानसी और मासी। जो मानसी है, मानसी खारी की सहायक नदी होगी और मासी की सहायक नदी होगी सहोदरा सहायक नदी, ठीक है ना। तो ये बनास नदी के बारे में, एक ये बेडच नदी, ये भी है बेडच, बेडच नदी, ठीक है ना, उदयपुर सागर नदी। तो ये होगी, ठीक है ना। आप अगर ये इससे याद करना चाहो तो इससे याद कर लो, आरसी बेड से, मतलब ये राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा अजमेर टॉप और सवा माधोपुर, ठीक है ना। अगर ये याद नहीं तो ये कर लो आप। रांची में भी आज टॉप टॉप्स, रास हो गया रासमंद, ची से चित्तौड़, पी से भीलवाड़ा, आज से हो गया अजमेर, टॉप से टॉप और सर से सवा माधोपुर, ठीक है। और ये वाले तरीके इससे जो बनास नदी की साइड नदी सारी कम्प्लीट हो जाएगी। काली कोठरी में भी मोड ढूंढे खास, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।